शक्तिमान को बचा नहीं पाएंगे सूर्यांशी। अब अनेरा उसे वहां जाकर मारेगा जहां सूर्यांशी पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारा मतलब कहां जाना चाहते हो तुम? आज से 25 वर्ष पूर्व संवत 2032 वैशाख मास की अमावस्या की रात का दूसरा पहर 3 घड़ी, यही वो दिन था जब काशी के जंगलों में वो बच्चा अरुंधति के साथ था और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे अंधेरे के शैतान। वो तो नहीं मार पाए, लेकिन मैं जाकर अतीत में शक्तिमान को खत्म कर दूंगा। अगर वो अतीत में खत्म हो गया तो वर्तमान में अपने आप खत्म हो जाएगा और चारों ओर कायम रहेगा अंधेरा, पाप जो शक्तिमान की वजह से कम होता जा रहा है। मुझे उसे बचपन में जाकर खत्म करना होगा, उसे बचपन में जाकर खत्म करना होगा। अंधेरा सचमुच कायम होगा, तेरे मरने के बाद अंधेरा सचमुच कायम होगा। शक्तिमान, इसका मतलब हमें आज के शक्तिमान को इस समय में लाने से पहले शक्तिमान के बचपन को बचाना होगा और उसके लिए हमें शक्तिमान के बचपन के समय में जाना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किलविश ने शक्तिमान को बचपन में मार दिया तो ना ही ये शक्तिमान रहेगा और ना ही वो जिसे किलविश ने भूतकाल में भेज दिया है। अगर किलविश ने भूतकाल बदल दिया तो वर्तमान और भविष्यकाल दोनों अपने आप बदल जाएंगे। तो फिर जल्दी करो ना ट्विच, हमें ले चलो उस समय में प्लीज। शक्तिमान, क्या समय बताया था किलविश ने? 25 वर्ष पूर्व संवत 2032 वैशाख मास की अमावस्या की रात के दूसरे प्रहर के 3री घड़ी के समय के काशी के बारे में। 25 वर्ष पूर्व संवत 2032 वैशाख मास की अमावस्या की रात के दूसरे प्रहर के 3री घड़ी के समय के काशी के वन में। माँ और बच्चे की लाश है, मगर फिर भी भविष्य में शक्तिमान जिंदा है। इसका मतलब ये लाश अरुंधति और उस बच्चे की नहीं है। तुम कौन हो? मैं चंडाल हूं। हे भगवान, मेरा झोपड़ा जल गया, इसमें मेरी बीवी मेरे बच्चे सब जलकर राख हो गए। कैसे हो गया, किसने किया? ओ, ये लाशें चंडाल की बीवी और बच्चे की हैं, जिन्हें मैंने अरुंधति और शक्तिमान समझा था। कौन है तू? तूने क्यों किया ये सब? बोल कौन है तू? तूने ही सब कुछ जलाया है, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तेरा?
और कौन है तू? तू कौन है? इसका मतलब आसपास जंगल में होगी अरुंधति और वो बच्चा, और यहीं से सूर्यांशी बचा कर ले जाएंगे उन दोनों को, इससे पहले कि सूर्यांशी उस बच्चे तक पहुंचे। मुझे उसे खत्म करना होगा। हम काशी के वन में तो आ पहुंचे, पर यहां हम किलविश को ढूंढेंगे कहां? उस टोही यंत्र से शक्तिमान, भूलो मत, मेरा टोही यंत्र किलविश के पास है, और वो जब तक किलविश के पास रहेगा हमें पता चलेगा कि किलविश कहां है। उधर शक्तिमान, उधर कहीं है किलविश। इससे पहले कि वो शक्तिमान के बचपन तक पहुंच जाए हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। शीघ्र चलो शक्तिमान, चलो। चलो। पीछा, कोई पीछा कर रहा है मेरा, लेकिन कौन कौन हो सकता है? तो ही यंत्र, ये जरूर उस सूर्यांशी बच्चे दुइज की हरकत है। इसका मतलब दुइज शक्तिमान को लेकर इस समय में आ चुका है। वो अपने बचपन को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं नहीं, शक्तिमान को उसके बचपन में ही मरना होगा। मरना होगा किसी भी कीमत पर शक्तिमान को। वो निकट है शक्तिमान, उधर यंत्र बता रहा है कि किलेश वहां गया है। चलो क्या हुआ द्विज? वो यही कहीं है देवी जी, किलेश यही कहीं है, इसी जगह। यहाँ? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है द्विज। परंतु देवी जी, मेरा यंत्र बता रहा है कि किलेश यही कहीं है, इसी जगह है वो। मेरा टोही यंत्र तो यहां पड़ा है। इसका मतलब है उसे पता चल चुका है इस यंत्र के बारे में। अब क्या होगा? अब हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा देवी जी, कुछ भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि इस जंगल में कहां है शक्तिमान का बचपन, परंतु हमें शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा शक्तिमान। लेकिन अगर हमसे पहले किलविश शक्तिमान के बचपन तक पहुंच गया तो अवश्य ही अनर्थ हो जाएगा देवी जी। अगर किलविश हमसे पहले उस बच्चे तक पहुंच गया तो वो उसे जरूर मार देगा, और अगर वो बच्चा मर गया तो शक्तिमान, इस दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। यदि शक्तिमान बचपन में मर गया तो इस संसार में कोई शक्तिमान नहीं रहेगा, और अगर शक्तिमान नहीं रहेगा तो इस संसार में दोबारा पाप बढ़ जाएगा देवी जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कैसे भी किलविश से पहले शक्तिमान के बचपन तक पहुंचना ही होगा। हमें बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालना होगा, लेकिन कहां होगा बालक शक्तिमान?
हे प्रभु, हे ईश्वर, अब तुम्हारा ही सहारा है प्रभु। पता नहीं कौन से मायावी लोग इस बच्चे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। उन दुष्टों से मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु। अब तुम्हारा ही सहारा है प्रभु, तुम्हारा ही सहारा। जगह अच्छी है छुपने के लिए। पता नहीं कौन से मायावी लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। ईश्वर, अब तुम्हारा ही सहारा है देव। क्या हुआ शक्तिमान? मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है मेरा। अर्थात बालक शक्तिमान संकट में है देवी जी। मैंने कहा था ना देवी जी कि अगर किलवेश बालक शक्तिमान तक पहुंच जाएगा तो उसे जरूर मार देगा, और अगर वो बच्चा मर गया तो शक्तिमान का अस्तित्व मिट जाएगा हमारे बीच से। शक्तिमान के जीवन का पूरा घटना चक्र रुक जाएगा। अगर शक्तिमान बचपन में ही मर गया तो वो जवान कैसे होगा? पाप का प्रतिकार कैसे करेगा? उसकी भेंट आपसे कैसे होगी देवी जी? बदल जाएगा। अगर शक्तिमान बचपन में मर गया तो उससे जुड़ा सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नहीं, नहीं। परंतु देवी जी, शक्तिमान की इस दशा का तात्पर्य यही है कि किलेश बालक शक्तिमान तक पहुंच चुका है। शक्तिमान, अब कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। इसका तात्पर्य बालक शक्तिमान पर आया संकट टल चुका है। तो क्या किलविश ने बच्चे को मारा नहीं होगा? नहीं, यह संभव है। उस बालक तक पहुंचने पर किलविश उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उस बालक पर कोई आंशिक संकट आया हो जिसका प्रभाव शक्तिमान पर पड़ा था। द्विज ठीक कह रहा था, अगर किलविश बच्चे तक पहुंच गया तो मेरी मौत सुनिश्चित है।
लेकिन आखिर कहां होगा जंगल में वो बच्चा? हे भगवान, किसी तरह ये रात बिता देना। बच्चे की और मेरी रक्षा करना। इस घने जंगल में कहां ढूंढूंगी मैं अपने स्वामी को? पता नहीं आचार्य सन्मित्र की भेंट स्वामी से हुई भी है या नहीं। इस बच्चे के शत्रु बने मायावी लोग इसे अवश्य ढूंढने आएंगे, लेकिन मुझे तो मेरे स्वामी को ढूंढना पड़ेगा। हे ईश्वर, ये तेरा ही दिया प्रसाद है, इसकी रक्षा करना। शक्तिमान, शायद ये वही है। हाँ, ये वही है। नहीं, आगे मत बढ़ना, मैं मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। शक्तिमान, उसे रोको, वो हमसे डरकर भाग रही है। शक्तिमान, माँ कैसे पहचान पाएगी मुझे? उसे क्या पता कि उसकी गोद में जो बच्चा है उसी का भविष्य मैं हूं। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। ये लीजिए मां। मां? नहीं, ये भविष्य से आने वाली बात को ठीक तरह से नहीं समझ पाएगी। मेरा मतलब है, मां के पास ही बच्चा चुप रह सकता है ना? ये लीजिए।
कौन है आप लोग? यही है आपका बेटा शक्ति, अर्थात आपके बेटे को बचाने वाला। देखिए, आप हमें अपना रक्षक समझिए। हम आपके पुत्र के शत्रु नहीं हैं, बल्कि हम उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। हाँ, अब तक जो हो गया सो हो गया, मगर अब कोई नहीं डरा पाएगा आपको। वो लोग बहुत भयंकर हैं। मेरे बच्चे के जान के दुश्मन बन गए हैं वो लोग। पता नहीं क्यों इसे मार देना चाहते हैं वो निर्दयी। पता है, कल मैं अपने आप को बचाने के लिए एक झोपड़े में छिप गई थी। शमशान में था वो झोपड़ा। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। इसमें शायद चंडाल का बच्चा और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी वो दैत्य वहां पहुंच गए। उन दुष्टों ने उस झोपड़े में आग लगा दी और अपनी जान बचाने के लिए मैं टूटी दीवार से होकर बाहर निकल गई। मेरे कारण मेरे कारण उस बच्चे और उसकी माँ को जिंदा जला डाला उन दुष्टों ने। मेरे कारण वो दोनों मर गए। अब वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। देखिए, आप रोइए मत। आप सचमुच बहुत अच्छी माँ हैं। जिस बच्चे के सर पर आप जैसी मां की ममता का साया हो, उसे कोई नहीं मार सकता। आप जितनी ममता, जितना प्यार इस बच्चे को दे रही हैं, पता नहीं ये बच्चा बड़ा होकर उस मातृ ऋण को उतार पाएगा या नहीं। ये कैसी बातें करते हैं आप? मां अपने बच्चे को बदले में कुछ पाने की आशा से ममता नहीं देती? लेकिन बच्चे का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। आप मुझे देखिए, मैं बड़ा होकर अपनी मां की सेवा कर पाता, इससे पहले ही मां मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें कहां पता है मां, मेरे बड़े होने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी सेवा करने से हमेशा के लिए वंचित रह जाऊंगा मैं। लेकिन आपकी मां के दिए हुए संस्कार आज भी आपके साथ है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपकी माँ भी सचमुच बहुत अच्छी माँ होगी। हाँ। शक्तिमान, ये स्थान सुरक्षित नहीं है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। अंधेरा तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम सबको यहीं मरना होगा मेरे सामने। अब तुम सब नहीं बच पाओगे अंधेरे के माया जाल से। आप
इसे बचाना होगा। मेरा बच्चा, ये लीजिए आपका बच्चा। मैंने कहा था ना कि अगर शक्तिमान के बचपन पर कोई संकट आएगा तो शक्तिमान के वर्तमान का अस्तित्व अपने आप मिट जाएगा। मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ करो, तुम कुछ करो प्लीज। शक्तिमान को बचाओ। कुछ कुछ करो प्लीज, कुछ करो जल्दी। जी देवी जी, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज देवी जी, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। लीजिए, संभाल के। बच्चे को मुझे दे दीजिए। आप लोग भागो, भागो आप लोग। जल्दी देवी जी, चलिए आइए। जल्दी चलिए। मुझे इसकी ताकत कम करनी होगी। इसकी ताकत कम होने से ही खत्म हो सकता है ये माया जाल। कांतम प्रवक्षामि जनिते अनादिकं सर्व
तेरा माया जाल खत्म हो गया है किलविश, अब तेरी बारी है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? शक्तिमान वो भविष्य का किलविश था और उसका भविष्य में वापस जाना ही उचित है। हमारा उद्देश्य था शक्तिमान के बचपन को बचाना। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब समय आया है विदा लेने का। आओ शक्तिमान, तुम्हारी माता से विदा लें। ओह, लेकिन मैं अपनी माता के साथ कुछ और समय व्यतीत करना चाहता था। नहीं शक्तिमान, यह तुम्हारा भूतकाल है, अपने भूत में उलझो मत। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब जाने का समय आ गया है शक्तिमान, आओ। अब आप पर कोई संकट नहीं आएगा देवी, हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन आप लोग है कौन? मैंने कहा था ना, हम इस बालक की रक्षा करने के लिए आए थे। अब यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, मुझे वन में अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे आप लोग? इसके पिता भी इसी वन में हैं, मुझसे बिछड़ गए हैं वो, कम से कम उनके आने तक तो रुक जाइए। इन्हें ज्ञात नहीं है कि इनके पति पंडित विद्याधर की मृत्यु हो चुकी है, परंतु इन्हें अभी बताना उचित नहीं रहेगा। देवी जी, शीघ्र ही वो या आपका कोई शुभचिंतक आपको इस वन में मिल जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें किसी और की रक्षा हेतु पहुंचना है। हाँ, हमें शक्तिमान को वापस लाना है। हाँ, अब हमें जाना होगा। ठीक है, चाहिए। चलो शक्तिमान। हाँ, जाना होगा। कहते थे इसके रक्षा हेतु आए हैं, आखिर कौन थे ये लोग? कहां से आए थे? कहां गए होंगे? यानी भविष्य का किलविश भी नहीं मार पाया शक्तिमान के बचपन को। दो दो किलविश नहीं मार पाए शक्तिमान को। कैसे नष्ट होगा शक्तिमान? कैसे नष्ट होगा? नष्ट तो तुझे होना होगा निराधम, तुझे। दो क्या 200 किलविश भी आ जाएं, तो कोई अहित नहीं कर सकता है शक्तिमान का। सर्वज्ञ तू गुरुदेव, कह पापी गुरुदेव, मत भूल मैं तेरे गुरु सर्वज्ञ की आत्मा। गुरु मत कहो, गुरु तू
गुरु नहीं था। गुरु तो वो होता है जो अपने सारे शिष्यों को समान ज्ञान देता है। तू तो पक्षपाती था, पक्षपाती था सर्वज्ञ, क्योंकि तूने अपना सारा ज्ञान, सारी शिक्षा अपने सबसे प्रिय शिष्य सत्य को दी थी, केवल सत्य को, क्योंकि सत्य ही उपयुक्त था, सच्चा उत्तराधिकारी था मेरे ज्ञान का। गुरु की दृष्टि में सभी शिष्य समान होते हैं, परंतु गुरु शिष्यों को ज्ञान उनकी योग्यता के अनुसार देता है, और ये बात तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि सत्य तुमसे कहीं अधिक योग्य था। अद्भुत वज्रबाहु, तुम्हारा सामना इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता। अद्भुत वज्रबाहु, तुम्हारा बाहुबल महावीर भीम से किंचित कम नहीं। महावीर भीम की बात जाने दो, ये बताओ कि इस आश्रम में है कोई मुझ जैसा शक्तिशाली जो अपनी भुजाओं से शिला को तोड़ दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है मित्र, इसे तो हम भी तोड़ सकते हैं। अरे मित्र सत्य, तुम्हारी भुजाओं में इतनी शक्ति है? भुजाओं में तो इतनी शक्ति नहीं, परंतु आत्मशक्ति बहुत है। मैं इस शिला को बिना स्पर्श किए तोड़ सकता हूं। अच्छा, तो आओ हम सबको अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करवाओ। आओ। ये तो और भी अद्भुत बात होगी मित्र, परंतु क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? चमत्कार, अकल्पनीय, अद्भुत। अब बताओ सत्य जितनी आत्मशक्ति है किसी के पास? नहीं है, इतनी आत्मशक्ति तो वज्र भगवान के पास नहीं है। सत्य सर्वशक्तिशाली है। सत्य, तुमने तो चमत्कार कर दिया। हाँ हाँ, तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं, आत्मशक्ति है मित्र, आत्मशक्ति। बाहुबल से, शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है यह आत्मशक्ति। आप सभी लोग भी इसे अर्जित करने का प्रयत्न करो। ये विद्या इसने कहां से सीखी? लगता है गुरुदेव इसे अलग से विद्याएं सिखा रहे हैं।